हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, बजट 2018 का इंपैक्ट क्या है सैलरीड पर्संस पे, सीनियर सिटीजन्स पे या पेंशनर्स पे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों की। जीएसटी के बाद आजकल लोगों की जबान पे क्या है, ई वे बिल और बजट। हमारी जो मेन कैटेगरी है, मतलब जहाँ पर लोग सैलरी से इनकम अर्न करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन तो बजट से वैसे भी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। उन्हें ये लगता है कि हर साल शायद इनकम टैक्स सैलरीड में कुछ बेनिफिट उन्हें दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपको बजट 2018 से क्या मिला है, कंपैरिजन करके मैं दिखाऊंगी आपको 2017 के टैक्स रेट से कि आपको टैक्स में कितना बेनिफिट मिलेगा बजट में जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद। तो जुड़े रहे मेरी इस वीडियो के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक कर ले इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे। सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बजट 2018 फॉर सैलरीड पर्संस एंड सीनियर सिटीजंस। सबसे पहली जो मेन चीज है वो है इनकम टैक्स स्लैब रेट। बजट 2018 में इनकम टैक्स स्लैब रेट को चेंज नहीं किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जो स्लैब रेट थी, वही 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट 2017-18 में कितना था, तो ये वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ना तो स्लैब रेट में चेंज किया है, ना ही ATC की डिडक्शन में चेंज किया है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट ने एक चीज नहीं आपको दी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पर दी है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के बदले आपसे वापस ले लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है मेडिकल रिम्बर्समेंट, जो आपको 15,000 तक पर एनम अलाउड था, और ट्रेवल अलाउंस 1600 रुपये पर मंथ का ट्रेवल अलाउंस जो आपको अलाउड था, वो दोनों चीज़ें विड्रॉ कर ली गई हैं। तो यहाँ पर गुगली क्या दी गई है आपको, 40,000 रुपये देकर आपसे ले लिए गए हैं 34,200 रुपये। ओवरऑल बेनिफिट मिला है सिर्फ 5,800 रुपीज का, वो भी हम देखेंगे कि बेनिफिट है या नहीं। 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो पर्सन जिनके सैलरी स्ट्रक्चर में ना तो मेडिकल रिम्बर्समेंट था, ना ही ट्रेवल अलाउंस था, तो उन्हें तो पूरा 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट टैक्स पर मिल जाएगा। पर जिन पर्सन को मेडिकल रिम्बर्समेंट भी मिलती थी, ट्रेवल अलाउंस भी वो क्लेम करते थे, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का। गवर्नमेंट ने एक काम और किया है, जो एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 3% हम पे करते थे हमारे टैक्स पर, जो टैक्स पर टैक्स था, उसे बढ़ा के कर दिया गया है 4%, और उसका भी नाम कर दिया गया है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। तो अब आपको टैक्स पर जो टैक्स है वो 4% देना है, तो 1% यहाँ पर भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर दी गई है। जो सेक्शन 80D की अगर हम बात करें, जहाँ आप मेडिक्लेम क्लेम करते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि हमारा सेक्शन कहता था कि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आप पर डिपेंडेंट हैं, अगर आपने उनका मेडिक्लेम कराया है, तो पहले आप 30,000 रुपये क्लेम कर सकते थे, अब आप क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपये। अगर सीनियर सिटीजन खुद ही अर्न करते हैं या उनकी कोई पेंशन आती है और वो अपनी रिटर्न भरते हैं, तो उस केस में वो सेक्शन 80D के अंदर अब 50,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया सेक्शन लेकर आया गया है ATTB, जहाँ पर जो उनकी इंटरेस्ट की इनकम थी उस पर पहले 10,000 की लिमिट थी एग्जम्पशन की, अब उसे बढ़ाकर कर दिया है 50,000 रुपये। तो अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट मिलता है किसी FD पर, बैंक से RD पर, या किसी और चीज़ पर इंटरेस्ट की इनकम उन्हें आती है, तो वो अब एग्जम्प्ट कर दी जाएगी ATTB के अंदर 50,000 रुपये तक। इसके अलावा सेक्शन ATTB जो था क्रिटिकल इलनेस का, वो सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए दोनों के लिए अब 1,00,000 की उनकी लिमिट कर दी गई है, 1,00,000 रुपए तक की एग्जम्पशन उनको अवेलेबल है ATTB के अंदर। एक कंपैरिजन बनाया आप स्क्रीन पर आ रही है आपके सामने टैक्स कैलकुलेशन। अगर आपकी सैलरी है 5,00,000 रुपए, इसमें आप देख सकते हैं मैंने कंपैरिजन बनाया 2017 के लिए और 2018-19 के लिए। सैलरी है 5,00,000, उसमें से अगर हम लेस करें मेडिकल रिम्बर्समेंट जो 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में अलाउड है, 2018-19 में 0 है, लेस ट्रेवल अलाउंस 2017-18 से मैंने माइनस कर दिया, और 2018-19 में ये विड्रॉ कर लिया गया है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 2017-18 में तो नहीं है, 2018-19 में मैंने 40,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी है। तो ऐसे करने से नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 2017-18 में आई है 4,65,800 रुपए, और 18-19 में नेट टैक्सेबल इनकम आई है आपकी 4,60,000 रुपए, जो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल इंपैक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन का पड़ रहा है 5,800 रुपीज का। इस पर टैक्स अगर हम देखें तो 2017-18 में आप दे रहे थे 10,790 रुपए, 2018-19 में 10,500 रुपये, और पर अगर हम टैक्स पर टैक्स लगा दें जो 3% था 2017-18 में और 4% हो गया 2018-19 में, तो आपको जो नेट बेनिफिट इस साल मिला है चेंजेस के बाद, अगर आपकी सैलरी है 5,00,000, तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा 194
4 rupees. और आप देख लेते हैं, अगर आपकी सैलरी है 10 लाख तो आपको टैक्स का क्या बेनिफिट मिलेगा. यहाँ मैंने कैलकुलेशन सेम उसी तरह से की है जैसे मैंने अभी आपको बताया. तो 10 लाख वाली सैलरी वाले पर्सन के लिए ओवरऑल टैक्स का बेनिफिट आ रहा है 150. तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने इस साल आपको बजट 2018 में क्या दिया है. इसमें थोड़ा सा फायदा सिर्फ उन पर्सन को मिल सकता है जो पहले मेडिकल रिम्बर्समेंट या ट्रैवल अलाउंस को एंजॉय नहीं कर रहे थे. जो मिडिल सैलरी वाले पर्सन हैं उनको तो टैक्स का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो हाईएस्ट सैलरी वाले पर्सन थे जिनकी सैलरी पर सरचार्ज भी लगता था, उनको 1% का जो एजुकेशन सेस इंक्रीज हुआ है उसका इम्पैक्ट उनकी सैलरी पर आ जाएगा. उनको अब टैक्स अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा. तो हाईएस्ट सैलरी वाले पर्सन जो होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट SIP में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, या अगर आप भी करते हैं तो आपके लिए न्यूज़ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो आपको देना पड़ेगा 10% का टैक्स. ये अलग है आपके स्लैब रेट से. तो ये ओवरऑल बजट से आपको मिला है. आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा ये बजट, क्या आपके लिए अच्छा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए यस. और अगर आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपको नहीं लगता कि कोई अच्छा ज़्यादा बेनिफिट है, तो मुझे नो करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको ये टैक्स कैलकुलेशन शीट चाहिए, ये क्योंकि इसमें फार्मूला भी लगे हुए और आपने देखना चाहते हैं कि आपका टैक्स कितना बनेगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी. आपकी कोई और क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी के लिए इंपॉर्टेंट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.